आपका फोन ये जो है इस तरीके से नॉर्मल होता है, यानी आप स्विच ऑफ कर करके आप क्या करते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप अपना मोबाइल फॉर्मेट करें। फॉर्मेट करने के लिए एक्चुअली प्रेस करना होता है, यानी मैं आपको बता देता हूँ इसका कवर हटा करके ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आपको प्रेस करना चाहिए ये दोनों बटन, यानी वॉल्यूम डाउन बटन और साथ में पावर बटन, बट आप क्या कर देते हैं वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन, यानी इस तरीके से आप प्रेस कर देते हैं। आप इस तरीके से प्रेस कर देते हैं यानी वॉल्यूम अप बटन यानी ऊपर वाला बटन और साथ में ये पावर बटन, ये दोनों को साथ में प्रेस करते हैं तो आपका ये फास्ट बूट मोड में आ जाता है। इस तरीके से अभी ये फास्ट बूट मोड में आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से, या फिर यहाँ पे आप कोई भी बटन एक प्रेस कर लेते हैं जिस वजह से ये फास्ट बूट मोड में आ जाता है। अभी लाइक मैं आपको बता देता हूँ ये फास्ट बूट मोड रहा, यानी गलती से आपका क्लिक हो जाता है तो ये फास्ट बूट मोड में इस तरीके से आ जाता है आपका। फास्ट बूट मोड है, अब इसको अब आप नॉर्मल कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी जिससे आप फास्ट बूट मोड में गए हैं उसी को आपको लॉन्ग टाइम तक प्रेस करना होगा, यानी थोड़ा सा ज्यादा समय तक के इसको आप लगातार प्रेस किए हुए रहिए, जैसे कि इसको दबाए हुए रहिए इस बटन को और वॉल्यूम अप बटन को यानी ऊपर वाले बटन को और साथ में ये पावर बटन है, दोनों को लगातार दबाए हुए रहिए कुछ देर तक के, यानी थोड़ी सी ज्यादा देर तक के, जितनी देर में फास्ट बूट मोड होता है उसका डबल टाइम ये लेता है नॉर्मल होने के लिए। सिंपली मैं इस दोनों को प्रेस किए रहता हूँ लॉन्ग टाइम तक, देख लीजिए लॉन्ग टाइम तक जैसे ही प्रेस किए रहेगा वैसे ही नॉर्मली ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यानी रीबूट हो जाएगा, यानी फिर से रीस्टार्ट होने लगेगा ये आपका फोन। ये नॉर्मल मोड में आ रहा है, अभी जो भी टाइम लग रहा है मैं इस वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, स्किप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियरली कि किस तरीके से होता है। अभी ये नॉर्मल मोड में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी फास्ट बूट मोड से नॉर्मल मोड में आने के लिए। अभी देखिए ये नॉर्मल मोड में आपका आ गया, यानी जिस तरीके से आता है उस तरीके से नॉर्मली आपका आ गया। फास्ट बूट मोड हटाना बहुत ही आसान है, सिंपली जिस तरीके से मैंने जो स्टेप बताया उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है और आपका नॉर्मल यानी मोबाइल जो है वो नॉर्मल में आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही आसान तरीका था नॉर्मल मोड में लाने के लिए, यानी नॉर्मल फोन को नॉर्मल करने के लिए फास्ट बूट से। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे, अगर ये वीडियो आपको फायदा दिया होगा तो सिंपली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, और दोस्तों आपने हमें कहीं पे भी यानी कहीं पे भी सोशल नेटवर्क पे हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो टिप्स और ट्रिक्स की दुनिया के नाम से हर जगह पे हम मिल जाएंगे।